नाम के गांव में एक घर में भुवन अपनी पत्नी सुधा और बेटी माधवी के साथ किराए पर रहता था। वो मूर्तियां बनाने का काम करता था। उनकी बनाई हुई मूर्तियां आदम कद की और बहुत ही खूबसूरत होती थी। उसे बेचकर जो कुछ भी मिलता उसी से उसका गुजर बसर हो जाता। पूरा परिवार मूर्तियां बनाने में लगा रहता। सुधा को हमेशा माधवी के विवाह की चिंता सताती रहती। कई बार बात चली पर दहेज को लेकर बात नहीं बन पाई। इतनी खूबसूरत है हमारी बिटिया, पर पता नहीं कब इसके नसीब में विवाह का योग है। हम इतना दहेज कहाँ से लाएंगे? कुछ ही महीने के बाद सुधा 2-3 दिन की बीमारी के बाद ही चल बसी। भुवन और माधवी का काम करने का उत्साह ठंडा पड़ गया। कई महीने गुजरने के बाद भुवन ने अपने बेटी से कहा, हम कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? कुछ तो करना ही होगा। माधवी, आज तुम मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हारी मूर्ति बनाता हूँ। बाबूजी, माँ तो कहती थी मूर्ति उनकी बनाई जाती है जो इस दुनिया में नहीं रहते। अरे नहीं, तुम्हारी माँ को मैं जब भी बैठने को कहता था तो वो इसी बहाने बात को टाल दिया करती थी। एक बार मैंने उसकी मूर्ति बनाने की कोशिश की थी, पर वो आधे में ही उठकर चली गई। तब से मैंने उसको कहा ही नहीं। बाबूजी, वो अधूरी मूर्ति कहाँ है? चल तुझे दिखाता हूँ। दोनों एक हालनुमा कमरे में गए। भुवन ने कपड़े से ढकी मूर्ति पर से कपड़ा हटाते हुए कहा, ले देख। माधवी वो मूर्ति देखते ही रह गई। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी आंखें वहां से हट ही नहीं रही थी। बाबूजी, चलिए इसमें रंग भरते हैं, इसके बाद आप मेरी मूर्ति बना लीजिएगा। दोनों ने मिलकर मूर्ति में रंग भरना शुरू किया। जैसे ही उस मूर्ति के वस्त्रों और आभूषणों में रंग भरा, वो मूर्ति एकदम साकार हो उठी और ऐसा लगा जैसे वो बोल पड़ेगी। माँ के गले में पड़ी सुनहरी माला देखकर माधवी बोली, बाबूजी, माँ की यह सुनहरी माला मैं पहन लूँ? वो सोने की थोड़ी है, ये तो मूर्ति के ऊपर मैंने ही डाल दी थी, क्योंकि तेरी माँ को सोने की मोतियों वाली माला की बहुत इच्छा थी। एक बार जब मैं मूर्तियाँ बेचने गया था तो तब एक गरीब बुढ़िया पर तरस खाकर खरीद लिया था, लेकिन तेरी माँ इसे सोने से भी ज्यादा संभाल कर रखती थी। बाबूजी, चलिए आज आप मेरी मूर्ति बना दीजिए, लेकिन मैं ये माला पहनकर ही मूर्ति बनवाऊंगी। ठीक है, पहन लेना, पर कल बनवाऊंगा, आज बहुत थक गया हूँ। दूसरे दिन माधवी पूरे दिन माँ की मूर्ति के गले में पड़ी सुनहरी माला पहनकर बैठी रही और भुवन ने उसकी मूर्ति बना दी। बाबूजी, ये तो बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनी है, लेकिन मैं अब ये माला हमेशा ही पहनूंगी। तभी दरवाजे पर ठाकुर प्रताप सिंह का आदमी आया और उसने कहा, भुवन बाबू, ठाकुर साहब ने अपनी बेटी रत्ना की शादी का न्योता भेजा है और कहा है बिटिया को भी आना है। मैं तो नहीं जाऊंगी, वहाँ कितनी बहुमूल्य वस्त्रों और आभूषणों से सजी महिलाएं होंगी। मेरे पास तो माँ की पुरानी एक ही रेशमी साड़ी है। अरे तुम जिस जगह पर पहुँच जाती हो तो तुम्हें देखकर वैसे ही लोग मुग्ध हो जाते हैं। तुम्हें तो ईश्वर ने खुद अपने हाथों से गढ़ा है। तुम कुछ भी पहन लो, सबसे सुंदर तो तुम ही लगोगी। बाबूजी, छोड़िए भी, पाते बनाना कोई आपसे सीखे। अच्छा चलिए, मैं चलूंगी। माधवी ने माँ की रेशमी लाल साड़ी पहन ली, हल्का सा मेकअप कर लिया और गले में माँ की सुनहरी माला पहन ली। अरे इस सुनहरी माला और साड़ी में तो मेरी बिटिया बहुत सुंदर लग रही है। माधवी भुवन के साथ जब हवेली पहुंची तो वाकई लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ठाकुर साहब की दूसरी बेटी, अरे माधवी, तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। माधुरी, तुम्हारे खूबसूरत गहनों के सामने मेरे परिधान और ये माला कैसे अच्छे हो सकते हैं? अपनी शक्ल तो देखो, काला रंग ऊपर से पीला लहंगा, ऐसा लग रहा है सरसों के खेत में भैंस खड़ी है। ऊपर से पीले चमकीले सोने के आभूषण। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो यही कह रही थी कि तुम्हारा लहंगा कितना खूबसूरत है। माधवी, चलो, दीदी की जयमाला का समय हो गया है, चलो तुम भी चलो। ना बाबा, मैं क्या करूंगी वहाँ जाकर, तुम जाओ। माधुरी उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती ले गई। ठकुराइन ने माधवी को देखते ही कहा, माधुरी इसको कहाँ से ले आ रही है? ये इतनी खूबसूरत है कि कहीं लड़के का मन इसी पर ना जाए, वो इसी को जयमाला ना डाल दे। माधवी ने उनको कानाफूसी करते देखा तो वहाँ से खिसक गई। वो चुपचाप आकर एक जगह पर बैठ गई।
उसके बगल वाली कुर्सी पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने माधवी से कहा, तुम कहाँ रहती हो बेटी? आप मुझसे कुछ कह रही हैं? हाँ हाँ, मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ। जी, बगल में ही मेरा घर है। मेरे बाबूजी मूर्ति बनाते हैं। कल ही उन्होंने मेरी एक मूर्ति बनाई है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारे बाबूजी का? जी, भुवन। कल दोपहर को मैं तुम्हारे घर आऊंगी और मूर्ति देखूंगी। जी ठीक है। तभी शोर मचा और सारे लोग जयमाल देखने के लिए उठ गए। अम्मा, आप भी चलिए ना। नहीं नहीं बेटी, तुम जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। मैं उतनी दूर नहीं चल पाऊंगी। चलिए, मैं आपको लेकर चलूंगी। माधवी ने उन्हें सहारा देकर जयमाल के स्टेज के सामने पड़े सोफे पर बिठा दिया और खुद खड़ी होकर जयमाल देखने लगी। जयमाल देखने के बाद जब वो वहाँ पहुँची तो बूढ़ी अम्मा वहाँ नहीं थी। वो भुवन के पास आ गई। बाबूजी, अब चलिए खाना खा लेते हैं और घर चलते हैं। हाँ बेटी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, कहाँ चली गई थी? माधवी ने उस बूढ़ी औरत से बहुत सारी बातें बताई। वो लोग खाना खाने के लिए गए और खाना खाकर अपने घर आ गए। दूसरे दिन जब वो सुबह सुबह ही रसोई में खाना बना रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। उसने दरवाजा खोला तो सामने ही कल वाली बूढ़ी औरत खड़ी थी। आप इतनी सुबह सुबह? हाँ बेटी, मैं मूर्ति देखना चाहती हूँ। आइए आइए। वह उनको सहारा देकर ले आई और तखत पर बिठा दिया। बाबूजी, देखिए कौन आया है। भुवन के हाथ मूर्ति बनाने में लगे हुए थे। अभी आया। चलो, मुझे वहीं ले चलो जहाँ मूर्तियाँ रखी हैं। हॉल में बहुत सारी सजीव मूर्तियों को देखकर वो औरत आश्चर्यचकित हो गई। ये मूर्तियाँ मुझे खरीदनी हैं। सारी मूर्तियों का कितना दाम है? अब माझी, इन बेजुबान मूर्तियों का आप क्या करेंगी? मेरे पास इतना समय नहीं है। सब अच्छे से पैक कर दो, मैं तुम्हें इनकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। आप जो उचित समझे दे दीजिए। उस औरत ने अपने पर्स में से 25,000 रुपए निकाल कर भुवन के हाथ में रख दिए। इतनी रकम तो उसने आज तक देखी ही नहीं थी। माधवी और उसकी माँ की मूर्ति छोड़कर भुवन ने सारी मूर्तियों को पैक कर दिया। इन दोनों का कितना दाम है? नहीं माझी, ये तो मैंने अपनी पत्नी और बेटी की मूर्ति अपने लिए ही बनाई थी। ठीक है, पर मुझे तो ये बहुत अधिक पसंद है। इसकी मैं तुम्हें 20,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन माजी। बाबूजी दे दीजिए ना, ऐसी मूर्ति आज आप फिर बना लीजिएगा। भुवन ने उसको भी पैक करके दे दिया और वो औरत बोली, अभी मैं किसी को भेजकर ये सारी मूर्तियाँ मंगवा लूंगी। और हाँ, अब से आप लोग जितनी भी मूर्तियाँ बनाएंगे वो सारी मूर्तियाँ मैं खरीद लूंगी। यह कहकर वो चली गई। थोड़ी ही देर में दो आदमी आए और मूर्तियाँ लेकर चले गए। भुवन और माधवी की खुशी का ठिकाना नहीं था, बार बार पैसे गिन रहे थे। बाबूजी, इसके पहले तो हमने बहुत मूर्तियाँ बनाई हैं, पर ऐसा खरीदार तो कभी नहीं मिला। हाँ, नया तो कुछ भी नहीं है, पर जब से तूने ये सुनहरी माला पहनी है तब से ही कुछ ना कुछ अच्छा, क्या बहुत अच्छा हो रहा है। बाबूजी, मैं भी सोच रही थी कि हम लोग इतने सालों से इस घर में रहते हैं, ठाकुर साहब ने आज तक कभी नहीं बुलाया। इतनी बड़ी बड़ी दावतें हुई उस हवेली में। माँ की कितनी इच्छा होती थी ठाकुर साहब के यहाँ जाने की। हाँ बाबूजी, अब तो मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर ये सुनहरी माला जादुई है। आप कहाँ से लाए थे? ये तो बहुत सालों पहले जब मूर्तियाँ बेचने गया था तब एक बूढ़ी औरत आकर गिड़गिड़ाने लगी थी कि मैं उसकी माला खरीद लूं। अच्छा, वो बूढ़ी औरत कहाँ रहती है, कुछ बताया था उसने? नहीं बाबूजी, ये तो मैंने पूछा भी नहीं। दूसरे दिन ही उन्होंने बहुत सारी चीजें खरीद ली। कुछ ही दिनों में उन्होंने वही पास में एक घर भी खरीद लिया। अभी वो अपने नए घर में जाने की तैयारी कर रहे थे कि उनके घर के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और एक लड़का आया। ये भुवन मूर्तिकार का घर है? हाँ, मैं हूँ भुवन, कहिए क्या बात है? जी, मेरा नाम चंदर है। आपकी बनाई हुई मूर्ति मैंने किसी प्रदर्शनी से खरीदा था। क्या मैं जान सकता हूँ कि जिस लड़की की मूर्ति आपने बनाई थी उसको आप जानते हैं? लेकिन आपको मेरे घर का पता किसने दिया? वो तो उसी मूर्ति के पास लिखा था। उसी समय माधवी आ गई।
उसके आते ही, देख बेटी ये क्या पूछ रहे हैं, तू देख मुझे काम करना है। भुवन अंदर चले गए। वाह, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं आपको साकार रूप में देखूंगा। मतलब? मैंने जब से वो मूर्ति देखी है हमेशा यही सोच रहा हूँ कि काश मैं कभी उस लड़की से मिल पाता। मुझे अत्यंत खुशी है कि आप मेरे सामने खड़ी है। माधवी जल्दी करो बेटी, सामान ले जाने का वक्त हो गया है। जी पिताजी आई। आप लोग बहुत व्यस्त हैं, मैं दूसरे दिन आ जाऊंगा। असल में हमें अपने घर में सामान ले जाने की जल्दी है। मैं कुछ मदद करवा सकता हूँ? आइए। माधवी तुम देख लो कुछ रहना जाए, मैं सामान ले जाने का कुछ इंतजाम करके आता हूँ। क्या सामान बहुत ज्यादा है? नहीं हमारे पास ज्यादा सामान तो नहीं है, बस कुछ मूर्तियाँ ही है जिन्हें संभाल कर ले जाना है। आप कहीं मत जाइए, मैं अपनी गाड़ी से सामान पहुँचाने की आपकी मदद करूँगा। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हम कुछ न कुछ कर ही लेंगे। लेकिन चंदर नहीं माना, उसने पूरा सामान गाड़ी से ही पहुँचा दिया। वे लोग अपने नए घर में आ गए। आप लोग आराम करिए, मैं कल फिर आऊँगा। वो चला गया। माधवी आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, कुछ खाऊंगा नहीं। बाबूजी वो चंदर कुछ फल रख गए हैं, चलिए वही खा लेते हैं। उसने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं बाबूजी। दूसरे दिन सुबह सुबह ही चंदर अपने साथ बहुत सारा खाने पीने का सामान लेकर आ गया। अरे इतना सारा सामान? बाबूजी मैं आपको बाबूजी कह सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं। बाबूजी मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। मैं माधवी से शादी करना चाहता हूँ। बेटा हम तो बहुत गरीब हैं, कहाँ तुम कहाँ हम। बाबूजी आप इसकी चिंता मत करें, आपका कोई खर्च नहीं होगा। मेरी बेटी तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। कुछ दिनों में ही दोनों की शादी हो गई। दोनों बहुत खुश थे। चंदर के माता पिता नहीं थे इसीलिए वो भुवन को भी अपने साथ ले गया। जादुई सुनहरी माला ने माधवी का जीवन बदल दिया। एक गांव में एक औरत टमाटर बेचने का काम करती थी, उसका नाम था मीरा। मीरा रोज सवेरे गांव के बाहर लगने वाली बड़ी सब्जी मंडी में जाके ताजे ताजे लाल टमाटर लाती और उन्हें गांव में घूम घूम कर बेचती। टमाटर ले लो टमाटर, ताजे ताजे लाल लाल टमाटर, टमाटर ले लो। अरे मीरा जरा आधा किलो टमाटर तो तोल दे। सिर्फ आधा किलो? आधा किलो में क्या होता है दीदी, कम से कम एक किलो तो लो। ताजे ताजे लाल टमाटर है, बच्चों को खिलाओगी तो टमाटर जैसे लाल लाल हो जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, एक किलो दे दो। मीरा आगे चल पड़ती है। अरे मीरा बहन जरा एक किलो टमाटर तो तोल देना। क्यों नहीं भाई साहब, अभी लो। मीरा उस आदमी को एक किलो टमाटर दे के आगे बढ़ जाती है। धीरे धीरे गांव में घूमते घूमते उसके सारे टमाटर बिक जाते हैं और वो खाली टोकरा लिए घर आ जाती है। अरे वाह आज तो अच्छी कमाई हो गई है, अगर ऐसे ही अच्छी कमाई होती रहेगी तो मैं जल्दी ही एक बड़ी दुकान खोल सकती हूँ। मीरा अपनी एक बड़ी सब्जी की दुकान खोलना चाहती थी जिसके लिए वो पैसे जोड़ रही थी। अगले दिन मीरा जब सब्जी मंडी जाती है टमाटर खरीदने तो उसे नजर एक दुकान के बाहर लगे टमाटर के ढेर पर पड़ी। टमाटर दिखने में अच्छे लग रहे थे लेकिन कोई उन्हें खरीद नहीं रहा था। भैया ये टमाटर कैसे हैं? इन्हें अलग से क्यों रखा हुआ है? बहन ये टमाटर कुछ दिन पुराने हैं, ताजे नहीं, मैं इन्हें छटाई करके अलग निकाल देता हूँ। यदि किसी को कम कीमत पर ये टमाटर चाहिए होते हैं तो उसे दे देता हूँ, नहीं तो फेंक देता हूँ। यदि मुझे 20 किलो खरीदने हो तो कितने के पड़ेंगे? 20 किलो 300 रुपए में दे दूंगा। मैं ताजे टमाटर खरीदती हूँ जो मुझे 500 रुपए में 20 किलो के मिलते हैं, और यदि मैं ये कुछ पुराने टमाटर खरीदूं तो ये मुझे 300 रुपए में पड़ेंगे, जिसमें मुझे 200 रुपए का फायदा, और फिर मैं इन टमाटर को उस दाम पर बेचूंगी जिस पर मैं ताजे टमाटर बेचती हूँ, तो मुझे अच्छा मुनाफा हो जाएगा, मैं जल्दी ही अपनी बड़ी सी दुकान खोल सकूंगी। भैया मुझे ये 20 किलो टमाटर दे दो,
दुकानदार से मीरा 20 किलो टमाटर खरीद लेती है और गांव जाकर उसी दाम पर बेचती है जिस दाम पर वो पहले टमाटर बेचती थी। टमाटर ले लो, ताजे ताजे टमाटर, लाल लाल टमाटर खाओगे तो लाल जैसे हो जाओगे, ले लो टमाटर। अरे ओ मीरा, जरा एक पाव टमाटर तो दे दे। क्या माँ जी, बस एक पाव? कम से कम एक किलो तो ले लो। अच्छा चल, एक काम कर, आधा किलो कर दो। मीरा बूढ़ी औरत को वो पुराने टमाटर उसी दाम में बेचती है जिस पर वो पहले बेचा करती थी। उस दिन भी मीरा को सभी टमाटर अच्छे दाम पर बिक जाते हैं। वो घर आकर पैसे गिनती है। अरे वाह, आज तो अच्छी कमाई हो गई है और पुराने टमाटर खरीदकर कुछ और पैसे भी बच गए। अब तो मैं जल्दी ही एक बड़ी सी दुकान की मालकिन बन जाऊंगी। मीरा के मन में लालच घर कर गया था। अब वो प्रतिदिन मंडी से पुराने टमाटर कम दाम पर खरीदकर गांव में अच्छे दामों पर बेचती, जिससे उसके पास पैसों की खूब बचत होती। एक दिन एक औरत मीरा से उसके टमाटर की शिकायत करती है। अरे ओ मीरा, आजकल कैसे टमाटर लाती है तू? ना उसमें रस है और ना ही स्वाद। टमाटर काटो तो कुछ बदबू भी आती है, जैसे पुराने टमाटर हो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो मंडी से एकदम बढ़िया ताजे टमाटर लाती हूँ। आप तो बेकार ही मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मेरे पास उत्तम टमाटर है, लेने हैं तो ले लो, नहीं तो आगे बढ़ो। धीरे धीरे लोग इसी तरह मीरा से उसके टमाटरों की शिकायत करने लगते हैं। वो उनसे भला बुरा कहती। एक दिन, टमाटर ले लो, ताजे ताजे लाल टमाटर। अरे नहीं चाहिए तुम्हारे टमाटर, चली जाओ यहाँ से। मंडी से सड़े गले टमाटर लाकर बेचती हो और कहती हो ताजे ताजे टमाटर। जाओ जाओ यहाँ से, कहीं और जाकर बेचना सड़े गले टमाटर। मीरा वापस घर आ जाती है। अब जब भी मीरा टमाटर बेचने जाती, लोग उसे टमाटर नहीं खरीदते, उल्टा उसे भला बुरा कहते। धीरे धीरे मीरा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मंडी से पहले की तरह ताजे टमाटर खरीद कर लाती है। टमाटर ले लो, ताजे ताजे लाल टमाटर। अरे बड़ी बेशरम हो तुम, फिर से वापस आ गई। तुमसे कहा था ना, कोई तुमसे टमाटर नहीं खरीदेगा। अब जाओ, चली जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आप लोगों का विश्वास तोड़ा है। मंडी से पुराने सड़े गले टमाटर खरीदकर आप लोगों को उचित दाम पर बेचती थी। मैं एक बड़ी सी सब्जी की दुकान खोलना चाहती थी और इसलिए मेरे मन में लालच आ गया था और अपने लालच में मैंने अपने लोगों के साथ छल किया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। अब से मैं ताजे टमाटर ही बेचूंगी। आप चाहे तो चक्कर देख लीजिए। गांव के कुछ लोग मीरा के लाए टमाटर चक्कर देखते हैं। हाँ ये टमाटर तो ताजे हैं, लेकिन याद रखना, यदि फिर कभी तुमने हमारे साथ छल किया तो कोई तुमसे टमाटर नहीं खरीदेगा। नहीं नहीं, फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। सब लोग मीरा से टमाटर खरीदते हैं और मीरा खुशी खुशी घर वापस आ जाती है।